રાજપૂતોના અધિકાર માટે રાજપૂત કરણી સેના આવી મેદાનમાં. રાજ્યમાં 2022ની ચૂંટણી પહેલાં રાજપૂતોના અધિકાર માટે કરણી સેના મેદાનમાં આવી ગઈ છે, જેના સંદર્ભમાં અમદાવાદમાં કરણી સેના દ્વારા પ્રેસવાર્તાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જો રાજપૂત સમાજની માંગો પૂરી નહીં થાય તો આગામી 16 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર ખાતે શક્તિ પ્રદર્શનની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. રાજપૂત કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણાએ અમદાવાદ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને પ્રેસના માધ્યમથી આવનારી વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણી પહેલાં સમાજને દરેક પક્ષ સંતોષકારક પ્રતિનિધિત્વ આપે તેવી માગણી કરી હતી. આ ઉપરાંત ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીની પ્રતિમા નવા બનતા સંસદ ભવનમાં મૂકીને તેમના ત્યાગનું યથોચિત સન્માન કરવાની માંગ ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા કરાઈ છે. આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ક્ષત્રિય સમાજને પ્રતિનિધિત્વની માંગ દરેક પક્ષ પાસે કરાવવામાં આવી છે અને જે ક્ષત્રિય સમાજની માગણીઓ સંતોષશે તેના માટે સમાજ વોટ આપશે તેવું મહેપાલસિંહે જણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત આગામી 16 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર ખાતે શક્તિ પ્રદર્શનની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. સંમેલનમાં જે તે પાર્ટી તરફથી સમાજને મળેલ મહત્ત્વને આધારે સમાજની રણનીતિ જાહેર કરવામાં આવશે. કરણી સેનાના ગુજરાતના નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ વીરભદ્રસિંહ જાડેજા વિજાણના નેતૃત્વમાં સંગઠનને મજબૂત કરવાની મહેપાલસિંહ દ્વારા જાહેરાત કરાઈ હતી. ઉપરોક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ વીરભદ્રસિંહ જાડેજા તેમજ કરણી સેનાના પ્રદેશ આગેવાનો ભરતભાઈ કાઠી, દોલુભા જાડેજા તેમજ કૃષ્ણસિંહ જાડેજા વગેરે કરણી સેનાના પ્રદેશ આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહેશે. उसमें पार्टियां राजपूत समाज के कितना प्रतिनिधित्व दे रही है, कितना उनको लीडरशिप वहां दे रही है, कितने उनको वहां पे टिकट मिल रहे हैं, तो वो कंफर्म करे हर राजनीतिक पार्टी. क्योंकि जब पूरे देश में हम लोगों ने दिया तो फायदा सभी पार्टियों को हुआ, तो सभी पार्टियां राजपूत समाज के लिए क्या करना चाहती है वो लोग वो बताए. पिछली बार हमने कोई पॉलिटिकल मांग नहीं करी. आपको मालूम है कि हम लोगों ने सामाजिक तरीके से उस रैली में केवल एक राजपूत समाज की एकता दिखाई, क्योंकि पद्मावत एक मूवी आई थी उसका विरोध पूरे देश में चल रहा था उस टाइम की बात. अब की बात पद्मावत नहीं है, पर महिला सम्मान हमारे लिए आज भी सर्वोपरि है. हमारे हुआ करते थे, आज केवल 8 पे 6 पे आ गए हैं क्षत्रिय समाज, तो वो क्यों कम किए जा रहे हैं जो 4-4, 5-5 MP हुआ करते थे. आज एक भी MP न कांग्रेस से न BJP से, केवल एक राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह जी को भेजा है, जो केवल नॉमिनेटेड नहीं भेजे हुए. तो मैं आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूँ, ये सब ये तीनों मुद्दे जब तक है, जो भी पार्टियां मुझे सुन रही है, 16 अक्टूबर के बाद तय करें अपने जो भी आप टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं. अगर उससे पहले हमसे पूछे भी ना अगर करा, तो वो लोग जो 16 अक्टूबर से पहले के जो पदाधिकारी जो भी MLA के दावेदार बन के आ रहे हैं, तो उनको भी मैं कान खोल के बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग तय कीजिए आपका भविष्य. अब की बार तय करेगा क्षत्रिय समाज, इस गुजरात का राजनीतिक भविष्य तय करेगा क्षत्रिय समाज और श्री राजपूत करणी सेना. तो आपके माध्यम से ये तीनों मांगे मैं आपको आपके माध्यम से मैं इन सरकारों को पहुंचाना चाहता हूँ. मैं महिपाल सिंह मकरा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष. राजपूत करणी सेना को इस यहाँ गुजरात में 6 साल हो गए. आज हम लोग आज से 5 साल पहले हमने गांधीनगर के रामकथा मैदान में लाखों लोगों की एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, महाकुंभ का आयोजन किया था. वैसा ही वापस एक महाकुंभ, एक महासम्मेलन, स्वाभिमान सम्मेलन क्षत्रिय समाज का गुजरात का वापस से GMDC ग्राउंड अहमदाबाद में करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर. हमारी मांगे रहेगी मेनली, जो आज से 3 साल पहले करणी सेना ने एक मांग रखी थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर, कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आपने जो एक स्टेच्यू लगाई है हजारों करोड़ रुपए लगा के, तो जो 562 जो रजवाड़े थे, रियासत थी, स्टेट थे, उन लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो उनका भी एक म्यूजियम बनना चाहिए. तो खुद नरेंद्र भाई मोदी ने इसका समर्थन किया था कि ये बनना चाहिए, क्योंकि आजकल एक गज जमीन कोई पड़ोसी को नहीं देता, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, तो वो आज तक नहीं बना. मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी तक भी ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आपके वादे का क्या हुआ. राजपूत समाज इंतजार कर रहा पूरे देश का, गुजरात का नहीं पूरे देश का, और कहीं ना कहीं गुजरात से ये मैसेज जाता है. तो चुनाव से पहले आप डिक्लेयर करें कि उसकी नींव का पत्थर आप कब रख रहे हैं. अगर नहीं रख रहे हैं तो हम लोग हमारे स्तर पर वो लोग करने में सक्षम है. ऐसा नहीं कि आपके भरोसे हम लोग हैं, सरकारों के भरोसे हम लोग हैं, हम खुद रखने में सक्षम है, पर आप चालू कीजिए. अगर हमने चालू किया तो कहीं ना कहीं गलत हो. दूसरा, पहले जो स्टेट के जो वो थे जिन्होंने पहला स्टेट समर्पित किया इस देश को, कृष्ण कुमार सिंह जी, बीघा लाखों बीघा अपने गढ़ किले, यहाँ तक कि कृष्ण सिंह जी जो पहले दानदाता थे, जो पहला स्टेट दिया,
कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर स्टेट के महाराजा थे, उन्होंने पहला स्टेट खुद चला के, जब पहली बार सरदार पटेल जब पहली बार किसी के पास गए थे तो कृष्ण कुमार सिंह जी थे जो महाराजा भावनगर थे, तो उनको लगा किस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, उनकी शुरुआत देख लिया कि रेस्पॉन्स क्या आएगा। ये अभी स्वर्ण वो मना रहे हैं, आजादी का स्वर्णिम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव में क्षत्रिय समाज के उन महाराजाओं को, उन राजाओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, एक कुछ भी लिए, उनको क्या मिला, हजारों करोड़ रुपए वहां मिले, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी स्टेचू बननी चाहिए थी कि उनको लोहा पुरुष की हम लोगों ने उपाधि दे रखी है, लोह पुरुष थे, उन्होंने पूरे देश को एक किया, पर जिन लोगों को एक किया वो हमारे पुरखे थे और हमारे बाप दादा थे, वो जमीन जायदाद जो स्टेट हुआ करते थे वो 565 जो स्टेट थी उनमें से 562 रियासतें जो एक हुई, इसके संस्थापक है लोकेंद्र सिंह कालवी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वीरभद्र सिंह जी जाडेजा, और जो कच्छ से आते हैं, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं मेरी जैसी नाम की संस्थाएं इस देश में खूब सारी घूम रही है, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई कर्ण सेना के नाम से काम करना चाहता है तो राजपूत कर्ण सेना की शरण में आए, राजपूत कर्ण सेना के पास आए, हम उनको ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई दुत्कार के बगा रहे हैं, आप भी हमारे भाई है, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं कर्ण सेना के नाम से, तो ये समाज में बिखराव करने की जरूरत नहीं है, कर्ण बनना चाहिए था, ये मांग हमने आज से 3 साल पहले इन्हीं नवरात्रों में यहाँ डांडिया का एक प्रोग्राम था तब हम लोगों ने करी थी, उसके बाद में शंकर सिंह जी बापू ने ये मांग को उठाया, फिर नरेंद्र जी जो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने इस बात को समर्थन किया कि उनका ये स्टेचू बनना चाहिए, उनके अध्यक्ष भी बनाए गए, वो कार्यकारिणी भी बनाई गई, पर आज 3 साल हो गए उनका कोई अता पता नहीं, सिर्फ पहले पटेलों ने भरा है, और अब क्षत्रिय समाज अपनी एकता वहां दिखाएगा, अपनी ताकत वहां दिखाएगा, हमारे मुद्दे क्या है मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि बिना मुद्दे के श्री राजपूत कर्ण सेना कभी कोई कार्य नहीं करता। आज से 3-3.5 साल पहले नवरात्रा के दिनों में श्री राजपूत कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस गुजरात की धरती से ही मैंने एक इस कर्ण सेना ने एक मांग उठाई थी कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये बीजेपी का क्या प्रोग्राम है, क्या कदम है वो साफ करे, आने वाले चुनाव में हमारी भागीदारी क्या रहेगी। आज से मात्र 25-30 साल पहले 1990 तक 4 MP यहाँ बीजेपी से हुआ करते थे, आज 1 भी MP की टिकट ही नहीं है। जब यहाँ भारत आजाद हुआ तो अकेले 50-60% गुजरात में MLA राजपूत हुआ करते थे, शंकर महामंत्री है मेहरूबा, और पूरी दिलीप सिंह जी है हमारे पूर्व पदाधिकारी है, गौरव है, इतिहास सिंह है, हमारी ज्यादातर टीम जो पुरानी टीम है सब हमारी अभी की टीम है आपके सामने, आप सबको इसलिए याद किया।